हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वन किचन इक्विपमेंट में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ऑटोमेटिक रोटी मशीन। ये दो साइड के स्क्रू होल के हम यहां से रोटी का थिकनेस सेट कर सकते हैं। जिस तरह का हमें रोटी चाहिए उस तरह का यहां पे प्लेट लगा देना है। प्लेट लग जाने के बाद मशीन का MCB ऑन करना है। यह है टेम्परेचर मीटर, यहाँ पे मशीन का टेम्परेचर शो होता है। सेट बटन दबा के हम यहाँ पे मशीन का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद मोटर ऑन करने के लिए पहले छोटा वाला ग्रीन बटन दबाना है, उसके बाद बड़ा वाला ग्रीन बटन दबाना है। बेल्ट का MCB ऑन करना है, ग्रीन बटन दबाना है और कंट्रोलर स्विच को बेल्ट को कंट्रोल कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से 1x1 बर्नर को ऑन करके बर्नर को चला देना है। लाइटर से सभी बर्नर को चला देना है। बर्नर सभी चल जाने के बाद ऊपर से प्रेसिंग मशीन में 1x1 रोटी को बोल को ऐड करना है, जो प्रेस होके रोटी बेल्ट पे आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग मशीन के बेहतरीन वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेसिंग मशीन में से निकली हुई रोटी जब तक राउंड पूरा घूम के बाहर आती है तो पूरी एकदम पक्की हुई पूरी फुल्का बन के बाहर आती है। ये कन्वेयर बेल्ट का इनर साइड का व्यू है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेसिंग मशीन में से रोटी प्रेस होके बेल्ट पर गिर के जब नीचे की ओर आती है, जैसे जैसे रोटी आगे बढ़ती है तैसे वैसे ही रोटी पूरी एकदम बढ़िया फूल कर बाहर आएगी। इस मशीन में आप पर घंटे 800 to 1000 पीसेस निकाल सकते हो। इस मशीन के अंदर आपको क्वालिटी एक नंबर मिलेगा। पूरी की पूरी रोटी एकदम फूली हुई आपको मिलेगी, सभी रोटी पूरी फूलती है। और इस मशीन को चलाना एकदम आसान है, कोई भी चला सकता है और रिजल्ट आपको एकदम बढ़िया मिलेगा। तो दोस्तों, ये है हमारा सेमी ऑटोमेटिक रोटी मशीन, जिसे चलाना एकदम आसान है। दोस्तों, वीडियो को आखिर देखने के लिए आप सबका खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच।